इंडिया ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। सुपर एट का पहला मैच था इंडिया का, जीत बहुत जरूरी थी। अफगानिस्तान को हरा दिया, बांग्लादेश के साथ मैच होएगा और फिर लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ डिसाइड होएगा। सेमीफाइनल जब तक अगर पक्का हो जाता है 2 मैच जीत के तो अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं भी होता तो वो फिर डिसाइडिंग मैच रहने वाला है। नहीं, जीत 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 की बात कर रहे हो आप भाई। आप हाँ अफगानिस्तान को कुछ समझते नहीं, क्योंकि जीत तो उनके नहीं, लिए भी जरूरी थी। हाँ उनके लिए भी जरूरी थी, तो मैं हाँ तो अपनी इंडिया की तरफ से कह रहा हूँ ना, हाँ नहीं तो आप अफगानिस्तान बायस होके बात कर रहे हो ना, ये तो तो पहले मैं ही तो भाई इंडियन फैन हूं, तो मैं तो इंडियन के लिए नहीं। आप कहूंगा, जो अफगानिया वीडियो मैं देखता है चाहता हूं हमारी, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। अच्छा तो मतलब इंडिया को हाँ ना आ रहा है इंडिया को ना हरा है भाई, इंडिया भाई। को हरा यार, इंडिया को ना हरा यार, इंडिया कैसे हार जाएगी यार अफगानिस्तान से, हाँ वैसे हार ये तो जाएगी। ख्वाब ही है अफगानिस्तान के कि वो इंडिया को हरा पाए, क्योंकि वो हाँ, इंडिया यार बहुत आगे है। बहुत आ वैसे गया। अफगानिस्तान को बहुत साल लगेंगे इंडिया की टक्कर में भी आने में। हाँ उनकी और बॉलिंग अच्छी है लेकिन बैटिंग में वो मात खा जाते हैं, हाँ बैटिंग से भी रन बनाने बॉलिंग बहुत अच्छी जरूरी है, है। मैं कह रहा हूँ कल मैच क्यों आ रहे हैं वो अपनी बॉलिंग से आ रहे हैं भाई। बॉलिंग से आ 180 रहे हैं, वाली पिच नहीं थी, ये 180 वाली 180 पिच वाली में। पिच थी ही नहीं, इतने हाँ रन बन नहीं हाँ सकते थे। और सूर्य कुमार यादव ने कल फिर भाई दिखा दिया। सामने यार वही तो ना नंबर 1 बैट्समैन है जब तुम्हारे सामने, ऐसी थोड़ी वो T20 का बॉस है हाँ इंडिया वो तो असली। दुनिया को पता है, कारण हाँ बताओ ना क्यों बना पाया वो तो भाई भाई। क्योंकि उसके, उसे पता था कौन से हाँ शॉट्स खेलने और कौन से नहीं हाँ खेलने, हाँ सिर्फ झाड़ू चलाई झाड़ू। झाड़ू उसे पता चलाई है है भाई उसने। कि यही शॉट यहाँ चलेगा और ऋषभ पंत की दाद देनी पड़ेगी, पाप लेका हाँ क्या यूज किया। पावर प्ले का यूज वो करके गया भाई, नहीं तो 3 ओवर में तो ऐसा लग रहा था यार पावर प्ले शमशान बिल्कुल, बना दिया था यार हाँ विराट, बिल्कुल और फ्लॉप हो उसने गया था 4 ओवरों में यार, 25 रन थे। कुछ और भी रन नहीं थे। अगर तुम्हें यही करना था तुम केएल राहुल को क्यों ड्रॉप करे। वही तो। अच्छा सवाल उठने जरूर चाहिए रोहित और विराट दोनों पे भाई। पता क्या, दोनों बुजुर्ग साथ में चल रहे हैं ना, ओपनिंग कर रहे हाँ हैं, तो दिक्कत ये हो रही है, दोनों सोच रहे हैं अरे ये पहले मार देगा शायद, अरे लेकिन नहीं ना ये पहले एक चीज मारेगा, देखो कि ठीक है अच्छा है, कोई भी नहीं मार पा रहा। दोनों बंदे कैसे भी खेल रहे हो, जो बाकी के बंदे हैं ना वो बटन ले ही नहीं रहे हैं हाँ हर मैच में, आपको ये दिख रहा है। ऋषभ पंत आते ही तो ठोकता रोहित है। विराट दे रहे हैं ना बर्डन, हाँ अगर रोहित, वो अगर बर्डन ना दे वो 4 में 40 करे तो और टीम खुले और टीम भाई, एक खुलेगी सौ वो नब्बे मैं दो सौ मानता हूँ करने चाहिए थे कल भाई, तुम्हें। मैं तो बिल्कुल गलती मान रहा हूँ कि भाई रोहित विराट दोनों की गलती है, क्योंकि देखो विराट आपको एकदम से इंटेंट नहीं भाई विराट को दिखाता। तुम कर रहे हो कंफ्यूज, मैं कह हाँ रहा हूं उसको नंबर 3 पे ही लिया हो, और तुम्हें पापले का यूज कराना है, ऋषभ पंत और रोहित से भाई ओपनिंग करा विराट को लो। हम थोड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आईपीएल में मैं नंबर 1। तुम्हारी नहीं बात, हाँ मतलब इंडिया वाले कंफ्यूज कर रहे हैं। विराट भाई, उसे विराट ने पूरे आईपीएल नंबर 1 क्यों खेला, वो नंबर 3 पे खेलता तो उसे दिखता भाई वो भी। आरसीबी जाए माचुदा ने, विराट को भी पता है आरसीबी जाए माचुदा हाँ ने कि भाई इंडिया तो अलग चीज है ना, और ये इंडिया वर्ल्ड कप तो, का वो प्लेटफॉर्म है यार, तो हाँ तुम्हारी विकेट की वैल्यू है। अब वो सोच रहा है मैं मारू या रुकूं, या मारू या रुकूं, जैसे मतलब उसको पता है ना अपनी विकेट की वैल्यू। तो हाँ यार विराट को तुम नंबर 3 पे लेके आओ, सच कह रहा हूँ, बढ़िया कह रहा हूँ। ऋषभ पंत और रोहित को ओपनिंग कराओ, ऋषभ पंत तुम्हें पहली बॉल से मारते हुए दिखेगा। तुम्हें भाई 6 ओवर में 70-80 रन नहीं बने ना मिनिमम, हाँ नाम बदल देना और भाई रोहित भी ऋषभ पंत। उड़ाएगा तब भाई ज्यादा, अगर ऋषभ पंत ने रन बना दिए ना पावर प्ले में, और क्या। अगर ओपन करते हुए थोड़े भी रन बना दिए, रोहित शर्मा पे बड़ा नहीं रहेगा तो वो बड़े हाँ शॉट ना उसी बॉल पे खेलेगा जिस बॉल पे उसे लगेगा कि वो बाहर सही पहुंचाएगा, बात कही हर बॉल है। पे उठाने का मौका नहीं हाँ और मिलेगा फिर फिर उसे। विराट को भी पता होगा जब वो बैटिंग पे आएगा कि 14 ओवर या 13 ओवर रह गए, ऐसे एंड तक मैं जाता हूँ, मेरे साथ बंदे मारे, और मेरा भी हाँ 150 के आसपास स्ट्राइक रेट डेढ़ रहेगा। सौ के और आसपास शिवम रहे। दुबे का भी चलो ठीक है, एक छक्का वो बढ़िया था हाँ कि चल बढ़िया यार कुछ तो था। तू दिखाया कि तेरे में भी हाँ दम है। वो और बॉल भी फिर बढ़िया थी यार जिस पे LPW हुआ है, तो क्योंकि वो तो एक, शॉट भी हाँ घटिया था ना, शॉट तू भी। बैक फुट पे चला गया फ्रंट फुट वाली बॉल पे, चलो वो तो कोई नहीं। पर हार्दिक पांड्या मेरे देश का उपकप्तान, मतलब जहां मैटर बड़े होते हैं जहां पे हार्दिक भाई मैटर खड़े बड़े होते होते हैं हैं, वहां मैटर खड़े होते हार्दिक हैं, भाई खड़े होते हार्दिक हैं। भाई खड़े होते हैं, अक्षर सही पटेल बात है की भी फिनिशिंग ने भाई। मुझे वो अक्षर दिखाया। पटेल की फिनिशिंग ने, क्योंकि एक टाइम पे जडेजा को भी लेना चाहिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो शॉट को ना उसने नीचे दबा दिया, अगर वो ऊपर की साइड से मार देता भाई ना। बॉलर ने भी स्लोअर डाली थी हाँ ना, हाँ तो वो ब्लोअर, उठ ही नहीं हाँ जाता बॉलर ऊपर। ने स्लोअर डाली थी लेकिन हाँ ना जो जडेजा ने शॉट भी मारा ना वो नीचे की साइड दबा के मारा, अगर उसकी जगह वो ऊपर वाला शॉट मारता ना पैडल स्वीप जो, मतलब कौन सा कहते हैं, पैडल स्वीप, यहां से पैडल नहीं स्वीप वो मारेगा, यार अपरकट टाइप। अपर कट टाइप वो मारता ना, फिर भी प्लेयर के ऊपर से चला जाता, तो वो ठीक है उसने भी क्या गलती करी, हाँ इतनी गलती नहीं करी। अक्षर पटेल ने संभाल लिया लास्ट हाँ ओवर में थोड़े बहुत रन बना के और स्कोर को एक अच्छा खासा पहुंचा दिया, और हाँ भाई 47 रन से जीते हैं, तो भाई जो अफगानिस्तान है वो भी कुछ नहीं कर पाई। भाई जसप्रीत लेकिन बुमराह की बात हाँ मैं करो, जसप्रीत 4 ओवर बुमराह की, 7 रन 3 विकेट। और एक बात याद दिलाता हूँ भाई, बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी, वो हाँ। एक चौका ना यॉर्कर पे उमर जाई का, स्लिप्स और कीपर के बीच में से गया हाँ हाँ था। हाँ
अगर भाई तुम वो चौका हटा दो उस पे एक रन मान लो, तीन रन हटा दो, चार ओवर चार रन दिए मतलब भाई लेवल देखो आप, लेवल भाई तुम ये देखो ना, रहमानुल्लाह गुरबाज था पहला बंदा। मेरे को नींद क्यों अच्छी आती है पता है क्यों? मुझे पता है मेरे देश के लिए बुमराह खेल रहा है, बुमराह खेल रहा है सही। अब भाई ये देखो कि उसने बंदे ने पूरा एक वर्ल्ड कप सीजन नहीं खेला था तब जाके वो फिर भी हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में है, थर्ड या फोर्थ पे है, पूरा सीजन नहीं खेला था बंदे ने। और अगर ये सीजन खेल लेता तो नंबर वन पे आपको बुमराह ही दिखता हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया की तरफ से। कौन से वाले उसमें कह रहे हो? एक जैसे लिस्ट थी ना, एक लिस्ट आई थी रविचंद्रन अश्विन T20 वर्ल्ड कप में 22 का नहीं खेला। भाई देखो इन सब चीजों से देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, शायद विराट कोहली हमारे देश के लिए आ गया और भाई ने जब से शुरू किया हम नहीं जीते, तो मैटर यही करता है हाथ में एंड में ट्रॉफी है या नहीं, क्योंकि मैंने भाई धमी का प्रसाद और ऐसे ऐसे बंदों को ट्रॉफी उठाते देखा है, तो भाई ट्रॉफी ही मैटर करती है। बस मैं चाहता हूँ बुमराह का फॉर्म ऐसे ही रहे। और अर्शदीप शुरुआत में पिटा पर एंड में तीन विकेट ले गए भाई, शुरुआत की बॉलिंग पर कंसर्न है क्योंकि उसको बंदे नीचे ले रहे थे, क्योंकि भाई अगर बुमराह दूसरी साइड से बॉलिंग नहीं करके देता ना कल ये रोहित की कैप्टेंसी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बुमराह को वो 6 ओवर में लाता था लेकिन कल उसने देखा कि एक तो सिराज नहीं खेल रहा और हार्दिक पांड्या से नहीं करवाई उसने पावर प्ले में, पता है ना यार सामने वाला गुरबाज ही मेन है, गुरबाज को ही ले गए तो वो खत्म है और गुरबाज 1 ओवर के बाद खत्म हो गया। वही बुमराह ने पहली बॉल पे आते विकेट चटका ली, अगर वो विकेट नहीं चटकती तो क्या पता आपको थोड़ा मैच रहता ना उसमें। और अक्षर पटेल जो है ना भाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ तुम्हारा एक्स फैक्टर है, वो बंदा एंड में भी आगे मारेगा और वो ओवर निकालता है पावर प्ले में मेन ओवर निकाल के देगा आपको। सबसे मेन बात यह है, चाहे वो ठीक है कैसा भी बॉलर है, लेकिन भाई एक बॉलर होता है कि आपको ओवर निकाल के देता है, एक बॉलर होता है पावर प्ले में बॉलिंग करता है और विकेट भी चटका के देता है, वो सबसे मेन बात रहती है। और हिटिंग भी लास्ट में करके दे रहा है, चाहे कैसी भी है छक्के नहीं मारता भाई, है, लेकिन तुम्हारी टीम का कोलैप्स होता है तो उसे ऊपर भेज देते हो, एंड में हिटिंग चाहिए तो वो कर रहा है, ये अपने टाइम का राहुल द्रविड़ बन गया है। दिल्ली ने ग्रूम करा उसे जो भी है, क्योंकि दिल्ली ने उसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर पहले विकेट गिरती है ऋषभ पंत के साथ आके खेल लेता, पॉन्टिंग को सच्चा प्रणाम पॉइंटिंग ही है कि दिल्ली का कोच, ये सही बात है। तो भाई ग्रूम अच्छा करा है और उसने शोकेस भी करा है और डिजर्व करता है बंदा 11 में खेलने का, उनने बनाया तो क्या लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वो खुशी नहीं आई। खुशी नहीं है देखो, क्योंकि ना जब तक आपके ना ओपनर नहीं चल के देंगे ना, मैं कह रहा हूँ रनों से मत तोलो भाई, इंटेंट से तोलो, इंटेंट कल यार मतलब दिखाई नहीं, फंसे हुए लगे, तो इंटेंट हमें वो दे रहा है, वही तो बात है ना, बेचैन कर रहा है। देखो 12 में 8 मारे फसा हुआ इंटेंट था, 24 में 24 मार के गया फसा हुआ इंटेंट था, वो तो आपके सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत और देश के कप्तान ने बचा लिया तो इतना स्कोर बन गया। वहीं पे अगर ये भाई अगर 10 बॉल में 24 होते, 12 बॉल में 24 होते कितना बढ़िया भी लगता कि भाई बंदों ने रन मारे है 200 के स्ट्राइक से मार के गए, विकेट चली गई, लेकिन वो जो भाई इंटेंट होता है ना भाई, वो मेन बात है। दोनों घर के बड़े अगर स्टार्टिंग में ही चले जाएंगे ना और उन्हें पता होगा पहली विकेट गिरते ही धक्का पड़ेगा, तो भाई इसीलिए ना वो खुल के नहीं खेल पा रहे, एक चेंज कर लो, अगर रोहित तक ये मैसेज पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो भाई, ऋषभ को ले ले ओपनिंग पे, विराट को भेज दे नंबर 3 पे, वो बादशाह है वहां का, वो बादशाह ओपनिंग का भी है, पर वो अभी समझ नहीं पा रहा कि मारूं या रुकूं अभी, क्योंकि मेरी विकेट, क्योंकि अगर रोहित साथ में टिका होता ना, अगर रोहित की वो कैच नहीं होती और रोहित के 1-2 बड़े शॉट आ जाते फिर तो विराट के खेलता, लेकिन जैसे ही रोहित आउट हो गया ना वो उस पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अब रोहित भी चला गया तो मेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे को लास्ट तक एक बंदे को तो लास्ट तक जाना ही है, दोनों का इंटेंट यही है। अगर रोहित अगर कोहली जल्दी आउट होता है तो रोहित उस तरीके से खेलता है, रोहित जल्दी आउट होता है तो कोहली उस तरीके से खेलता है। तो अफगानिस्तान का भी अब यही रह गया कि अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ना पड़ेगा, पड़ेगा। अगर नहीं पछाड़ पाए तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, एक मैच से तो आप नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते। तो आग लगी हुई है माहौल में और मजा आ रहा है और बिल्कुल जल्दी जल्दी हर रोज मैच है, तो हमें यार एक्सपेक्टेड है कि इस बार इंडिया सेमीफाइनल जाए कुछ करे, और सपोर्ट इंडिया को ही है, बाकी क्या बोलोगे, और बाकी मिलेंगे आपको आगे के मैचेस में, और तो आगे के मैचेस में बात करेंगे।